पंचायत भटगांव के पुराने नगर पंचायत परिसर में चल रहे चबूतरा निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक नायब तहसीलदार द्वारा निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई गई है, जिसके बाद अब नगर भटगांव के गणमान्य नागरिकों के द्वारा चबूतरा निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। इस पर नगर के लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के द्वारा कराए जा रहे इस चबूतरा निर्माण कार्य पर बिल्कुल भी जनहित में नहीं है और इस निर्माण कार्य पर जल्द से जल्द रोक लगाने हेतु शिवसेना व नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा नायब तहसीलदार को आवेदन दिया गया है। बता दें, रोक लगाने की खबर मिलते ही निर्माण कार्य तेजी गति से चलने लगा, जिस पर नायब तहसीलदार को रोक लगाना चाहिए पर रोक नहीं लगाई गई, जिसके कारण पुनः नगर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर, SDM व तहसीलदार को आवेदन दिया गया है। ये है शादी के लिए जो आरक्षित स्थल है वो नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा अवैध निर्माण हो रहा है। उसमें हम गरीब व्यक्तियों की शादी के लिए जो आरक्षित स्थल है वो क्या निर्माण किया जा रहा है वहाँ पर, उसमें चबूतरा निर्माण किया जा रहा है। सब्जी हाट बाजार में अवैध रूप से हो रहा है, पब्लिक को जानकारी नहीं है। उसमें आप लोगों के द्वारा जो यहाँ के नगर पंचायत है वो उसके द्वारा शादी किया जाता है क्या? जी, शादी की आप लोग व्यक्ति के लिए बहुत आरक्षित स्थल है। आप लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं? उसमें रोक लगाया जाए, अति से दूसरी जगह पर बनाया जाए, ऐसा दूसरी जगह पर बनाया जाए। आपका परिचय? रामकृपाल पटेल। कि हमारे भटगांव नगर पंचायत के अंतर्गत जहाँ पर सांस्कृतिक भवन है, जहाँ हाट बाजार हटरियाँ लगती है, वहाँ पर नगर पंचायत द्वारा बेमुद्दत और गलत तरीके से चबूतरा निर्माण किया जा रहा है, जिसके द्वारा शादी बर विवाह कोई भी आम सभा अगर होता है तो वह जगह संकीर्ण हो जाता है। पार्किंग के लिए कोई जगह भी नहीं है, ना नगर पंचायत द्वारा पार्किंग के लिए बनाई गई है, और आम सड़क में जो पार्किंग का जगह था उसको व्यापारियों ने अपना कब्जा कर लिया है। लोगों को चलना फिरना, गाड़ी का वाहन आना जाना ये सब लगा हुआ है, इसलिए नगर पंचायत के द्वारा एक कार्य जो किए जा रहे हैं निर्माण कार्य, इसको तत्काल रोकी जावे, उस पर रोक लगाई जावे। यह अवैध है, बेमुद्दत है। जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, किस चीज़ निर्माण किया जा रहा है, किन लोगों के लिए निर्माण किया जा रहा है? ये सब्जी बेचने वालों के लिए, कुछ अल्पसंख्यकों के स्वार्थ के लिए बनाई जा रही है। इसमें अधिकांश जनता का ही नुकसान होगा, इसमें बैठने का तकलीफ होगा। अरे भाई, चबूतरा निर्माण के बजाय पूरा कंक्रीटिंग कर दिया जाए उसको। हम ही नहीं कह रहे कि निर्माण मत करो, निर्माण हो, परंतु ऐसा निर्माण ना हो ताकि जनता का, शादी विवाह का, किसी भी आम सभा का कार्यक्रम को प्रभावित करे। इस जगह के अलावा नगर में और शादी विवाह जैसे कुछ बड़े कार्यक्रम कराने की और कोई जगह है? इस जगह छोड़ करके और भटगांव में कोई शासन के द्वारा जगह नहीं बनाई गई है, मात्र एक सांस्कृतिक भवन है जो गांव के लिए उपयुक्त है और गांव के हर व्यक्ति के काम के लिए है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि चबूतरा ना बनाई जाए, कंक्रीटिंग करके छोड़ दिया जाए ताकि सबका भला हो। हम यही चाहते हैं कि जनता के बिना जानकारी के या नेम प्लेट होना चाहिए, कौन ठेकेदार है, कौन लिया है, उसका नक्शा क्या है, उसका मकसद क्या है, जानकारी नहीं मिल पाता और काम शुरू होने पर जानकारी मिलती है। हम आवेदन करते हैं, रोक लगाते हैं, परंतु शासन में बैठे हुए व्यक्ति कोई नहीं सुनते, हमारे आवेदन का अवहेलना कर तिरस्कृत कर देते हैं। मैं भटगांव नगर में जड़ी बूटी का व्यवसाय करता हूं और मैं रामचरित मानस रामायण मंडली का मैं संचालक हूं। मेरा नाम छोटेलाल किशोरवानी, गांधी चौक भटगांव में मैं रहता हूं। बिल्कुल नहीं किया जाए, बिल्कुल किस लिए? इसके लिए यहाँ पर शादी वाला कार्यक्रम वगैरह होता रहता है और गरीब वर्ग को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना पड़ेगा। अगर हाट बाजार बनाना चाहते हैं तो कहीं और भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पर शेड बन जाता है तो गरीब तब व्यक्ति शादी करने में दिक्कत होगा क्या? बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जगह ही नहीं रहेगा और यहाँ शादी वादी का कार्यक्रम हो ही नहीं पाएगा, बंद हो जाएगा पूरा पूरा। इस जगह के अलावा नगर में कहीं पर कोई और जगह है? हाट बाजार की जगह है, हाट की बहुत ज़्यादा जगह है। शादी वाले ऐसी जगह तो है संस्कृति भवन, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा रकम नगर पंचायत वसूल जाता है लोग से। जिस तरह से यहाँ नगर पंचायत को वही नगर पंचायत भवन के पास जो स्थल बची हुई है, इस तरह से कोई और जगह जहाँ पर निःशुल्क जो है शादी विवाह कार्यक्रम जैसे बड़े कार्यक्रम कराया जा सके? ऐसा था बंगला भाटा बोलते हैं हाई स्कूल, लेकिन वहाँ भी लोग ने कॉम्प्लेक्स बनाकर पूरा जगह को खराब कर चुके हैं और कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं।
अभी की स्थिति पर कहीं पर नहीं किया है ऐसा? अभी स्थिति पर कहीं पर नहीं। आप क्या चाहते हैं? ये तत्काल रोक लगाया जाए और इसको हम लोग यही मांग करते हैं कि तत्काल इसको रोक लगाया जाए, कहीं और बनाया जाए सेट को। परिचय आपका? शिवसेना जिला सचिव गगन वैष्णव। बलाईगढ़ संवाददाता संजय यादव की रिपोर्ट।